हमारा अगला टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। पहला क्या है? चैप बुक्स, पॉकेट साइज चीप बुक्स। ये शुरू में पॉकेट साइज किताबें होती थी, सस्ती किताबें, चित्र वगैरह होता था। गुटेनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, और पहली पुस्तक जो छापी थी वो बाइबल। मैन्यूस्क्रिप्ट का हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि। हैंड रिटन ओरिजिनल टेक्स्ट। इडो जो है वो टोक्यो जापान की शुरुआती किताबें हैं। बाइबल क्या है? फर्स्ट प्रिंटेड बुक पब्लिश्ड, जो पहली छपी हुई बुक पब्लिश हुई थी, और बाइबल की ही सबसे ज्यादा कॉपियां छपी हैं। अगला टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और उसका विकास। अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, जो मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह है उसको टॉप सॉइल कहते हैं। न्यू अल्यूवियल मिट्टी है उसको खादर बोलते हैं, और यही अगर पुराना पड़ जाए तो उसको बांगड़ बोलते हैं। रेगुर सॉइल जो होता है उसका कलर ब्लैक होता है। लैंड विथ मेनी गलीज एंड रिवाइंस, जहाँ पे बहुत सारे गड्ढे और ऐसी होंगे उसको बैड लैंड कहते हैं, बुरी भूमि, उस पर कुछ उगेगा नहीं। लैंड डिग्रेडेशन बोलता है कि जमीन का खराब होना, वो क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग से खराब हो जाता है, मृदा बहने लगेगी, कुछ रोकने के लिए नहीं है। वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर सारे बांधों के बारे में बताया गया, उसको ध्यान से सुनिए। सॉरी, सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड डैम, ये महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा में। रिवर ऑफ सौरो अगर बिहार के लिए पूछता है तो कोसी नदी, अगर चीन के लिए पूछता है तो हुआंग हो, यहां पर झारखंड के लिए पूछ रहा है तो वहां के लिए दामोदर। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द कंट्री, भोपाल लेक, भोपाल में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। भाखड़ा नांगल जो है सतलज नदी पर बनाया गया है पंजाब में, और इसी से पंजाब हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में खेती होती है और हरित क्रांति सफल हो पाई। एग्रीकल्चर, कृषि, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक। लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक वेस्ट बंगाल। लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी की बहुत मिले हैं। लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ रबड़ उत्पादक करने वाला राज्य केरला। यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट और सी पोर्ट हार्बर्स के बारे में है इन्फॉर्मेशन। पहला बोलता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है। कांडला जो है वो बहुत पुराना पत्तन है, ये गुजरात में है। पारादीप जो है वो उड़ीसा में है। अगला टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बोलता है लीडिंग सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये गुड़गांव बेस्ड है सारे, हमारे दिल्ली के बगल में ही। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वैसे जम्मू में भी है, बेंगलोर में भी है और भुवनेश्वर में भी है उड़ीसा में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन केरला, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क जो कि केरला में है, तिरुवनंतपुरम में, ये वहाँ की राजधानी भी है। लीडिंग सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, महाराष्ट्र में मुंबई। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़। पावर शेयरिंग मतलब सत्ता का विभाजन। पहला क्या है? कोएलिशन गवर्नमेंट, साझा सरकार। इसमें क्या होता है कि जब कोई एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज। सिविल वॉर क्या होता है? गृह युद्ध की स्थिति, युद्ध हो रहा है अपोजिंग पार्टीज के बीच में, अ वायलेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग पार्टी ग्रुप। चेक एंड बैलेंस, संतुलित करना, ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट चेक्स द अदर, हर ऑर्गन जो है कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका, उसके अपने काम है, अपने फाइनेंस बटे हुए हैं, और हर ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन पे नजर भी रखता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट, तो इसका क्या मतलब है कि कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तीन लेवल पे होता है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स।